रविवार को प्रदेश भर में 49,568 पदों के लिए यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 27 और 28 जनवरी को होना है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। वहीं राजधानी लखनऊ में पहली पारी की परीक्षा शुरू होने के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी ने गोमती नगर के टीडी गर्ल कॉलेज और महानगर के दयानंद इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो, इसको जांचने के लिए खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह निकले हैं। लखनऊ के दो परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण के बाद महानगर के दयानंद गर्ल्स कॉलेज में पहुंचे हुए हैं डीजीपी ओपी सिंह। अंदर जाकर के उन्होंने परीक्षा केंद्र पर जो ड्यूटी दे रहे हैं उनसे बातचीत की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी जिला कप्तानों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से या पेपर लीक कराने वाला गैंग हो या फिर सॉल्वर गैंग, कोई भी सेंधमारी ना होने पाए और ये परीक्षा सकुशल सम्पन्न हो। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।